चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। इसमें तुमसे कहा है कि एक यातायात संकेत बोर्ड है जिसमें लिखा है आगे स्कूल है। आपने इस तरह का एक बोर्ड जो है आपने रोड में देखा होगा, ये त्रिभुजाकार होता है। इसमें यहाँ पर लिखा है आगे स्कूल है। अब इसकी क्योंकि त्रिभुज है तो इसकी तीन भुजाएं हैं, लेकिन पिछले उदाहरण में तो हमने तीनों भुजाओं को 5, 6 और 7 करके दिखाया था। यहाँ पर इस वाले प्रश्न में ना ये जो त्रिभुज वाला है बोर्ड है, इसकी तीनों भुजाओं की जो लंबाई है ना वो कितनी दे रखी है, 1। क्योंकि साथ ही साथ आपसे क्या कहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है? समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो पहले तो आप ये देखें, ये जो समबाहु त्रिभुज है इसकी भुजा कितनी दे रखी है, 1, और इसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। तो तीनों भुजाओं की लंबाई को क्या बोलेंगे हम? ये तो पहला काम हो गया। इस बार आपको इस वाले क्वेश्चन में भुजा की लंबाई नहीं दे रखी थी, बल्कि उसके बदले हर एक भुजा की लंबाई कितनी दे रखी है, 1। ये हमने लिख लिया। अब आगे आपसे क्या कहा है कि हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको साथ ही साथ ये बोला है कि जो संकेत बोर्ड है उसका परिमाप कितना दे रखा है, 180 सेंटीमीटर। ठीक हो गया? तो कुछ भी आगे करें, पहले तो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले परिमाप बताया था कि उसका मतलब क्या होता है। परिमाप होता है किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। समझ में आ गया? तो प्रश्न में परिमाप कितना दे रखा है आपको, 180। a प्लस ए कितना हो गया, 3a हो गया बेटा, 3a हो गया। ठीक हो गया? अब क्योंकि a का मान निकालना है तो 3 कहां जाएगा, वहां नहीं जाएगा, 180 के, क्योंकि 3 और a के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए 3 कहां चला जाएगा, नीचे। अब 180 को 3 से भाग करो बेटा, भाग 180 को 3 से भाग करो कितना आएगा, अरे बेटा 60 आएगा, भाग करके देख ले करो, तो 60 आ गया। इसका मतलब है भुजा की लंबाई कितनी हो गई, इसका मतलब हो गया जो हमारे पास बोर्ड है ना, इसके तीनों भुजाओं को हमने क्या क्या माना था, ए ए ए, एक भुजा आ गई 60 सेंटीमीटर, दूसरी भी 60 सेंटीमीटर, तीनों भुजाओं की लंबाई 60 60 60 आ गई। ये समझ में आ गया? अभी हमने क्षेत्रफल नहीं निकाला है, अभी तो वो वाला फॉर्मूला इस्तेमाल ही नहीं किया हमने। अब स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले क्या लिखते हैं, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बट्टे, ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है, बट्टे तीनों को जोड़ो, 180 आ गया। दो से भाग करो तो आपके पास S कितना आ गया, क्या यहां तक समझ में आया आपको? चलिए अब हमारे पास जो क्षेत्रफल है क्या फॉर्मूला लगाते हैं उसका देखो जरा, F इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू, हो गया S कितना निकाला हमने, गुणा की जगह ब्रैकेट की जगह, एस की जगह ए की जगह, ठीक है, गुणा की जगह गुणा हो गया, एस की जगह बी की जगह, ठीक है, एस की जगह और सी की जगह, ये समझ में आ गया आपको। तो 90 तो ऐसी रहेगा, माइनस करो माइनस करो माइनस करो, हो गया। क्या आप बता सकते हो 90 को कैसे लिख सकते हैं, 30 गुणा 3, और बाकी सबको उतार दो। अब इसमें दो दो बार देखो कौन है, ये दो बार है, ये भी दो बार है, तो अंदर क्या लिखेंगे बोल दो जरा, बाहर बाहर के लिखेंगे
दो बार, इसकी जगह एक बार और इसकी जगह एक बार, अंदर क्या बचा? और हमारे पास ये आ गया यहाँ पर 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास, आगे बोर्ड है, आगे स्कूल है वाला जो बोर्ड है ना, उसका क्षेत्रफल हमारे पास आ गया। समझ में आ गया सभी को?